दोस्तों बिग बॉस सीजन 16 के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर यदि आप अब्दुल रोजिक की हरकतों को देखेंगे तो आप भी काफी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यहां पर एमसी स्टैन खुद काफी ज्यादा चौंक गए थे अब्दुल को देखकर। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि अब्दुल रोजिक, एमसी स्टैन और शिव ठाकरे बैठकर आपस में रिश्तों को लेकर बातचीत कर रहे थे, और इस दौरान शिव ठाकरे अब्दुल और स्टैन को सिखा रहे थे कि अगर आपको अपनी बंदी पर यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड पर पूरा भरोसा है तो फिर आपके रिश्ते में किसी भी प्रकार की कोई दरार नहीं आ सकती। आप अगर एक दूसरे पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं तो आपका रिश्ता कभी भी नहीं टूटेगा, लेकिन अगर रिश्ते में जरा भी कुछ आनाकानी होगी तो कहीं ना कहीं रिश्ते में दरार आने की संभावना भी उतनी रहती है। और घर के अंदर मुझे किसी का रिलेशनशिप पूरी तरीके से रियल नहीं लगता है, सब कैमरे के लिए, फुटेज के लिए फेक रिलेशनशिप चला रहे हैं। ये सुनकर पहले तो एमसी स्टैन काफ़ी चौंक गए थे, लेकिन वहीं दोस्तों एमसी स्टैन को यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ गई, जिसके बाद में एमसी ने कैमरे की ओर देखते हुए पहले तो अपनी अम्मी को किस किया, बाद में अपनी गर्लफ्रेंड को कहा कि मैं तुम्हें काफ़ी मिस कर रहा हूँ, और इतना कहते हुए उन्होंने बुआ की ओर किस कर दिया, यानी कि कैमरे की तरफ देखकर अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर दिया। लेकिन दोस्तों इस दौरान अब्दू को भी शरारत सूझ गई और अब्दू ने भी एमसी स्टैन के साथ ही साथ कैमरे की तरफ देखते हुए किस करना शुरू कर दिया। ये देखकर स्टैन काफ़ी हैरान रह गए और स्टैन ने पूछ लिया कि मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से किस कर रहा हूँ, लेकिन तू किसे किस दे रहा है। जिसके बाद अब्दू शर्मा गए और अब्दू ने कहा कि मैं तो बस तुम्हें देखकर ऐसे कैमरे की तरफ किस कर रहा हूँ। जिसके बाद स्टैन ने अब्दू को कहा कि लोंडे तू जवान हो चुका है और तू मेरी गर्लफ्रेंड बूबा को किस कर रहा है, मैं सब जानता हूँ तू बड़ा हरामी हो रहा है धीरे धीरे। ये सुनकर अब्दू भी शर्मा गए। कुल मिलाकर दोस्तों अब्दुल रोजिक आजकल जो शरारत भरी हरकतें करते हैं वो देखने में वाकई काफी मस्त लगती है। फिलहाल आपको अब्दू की ये शरारत भरी मस्ती कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।